तो जी स्वागत है आज का तकनीक संबंधी समाचार में, यानी कि वेलकम टू टेक्नोज इन शॉर्ट। और आज के न्यूज के बारे में जानना है तो देखते रहिए इस वीडियो को। पहली खबर की बात करते हैं आईफोन के बारे में, और आईफोन का 12 अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और आईफोन 13 के बारे में रूमर बहुत कुछ आने लगे हैं। और ऐसा बताया कि आईफोन 13 में भी आपको वही सेम चार फोन देखने को मिल जाएंगे, यानी कि आईफोन 12 मिनी जैसे था उस तरह आईफोन 13 मिनी होगा, उसके बाद आईफोन 13 होगा, उसके बाद आईफोन 13 प्रो होगा और आईफोन 13 प्रो मैक्स, ये चार फोन देखने को मिल जाएंगे। साथ साथ ऐसा बताया जा रहा है जो प्रो मैक्स होगा उसमें जो वाइड एंगल होगा और भी वाइड आपको देखने को मिल जाएगा। अगली खबर की बात करें गूगल के बारे में, और गूगल फोटो में एक नया फीचर आपको देखने को मिलेगा, कलर पॉप फीचर्स, यानी कि जो आप फोटो देखते हैं कभी कभी एक यहाँ पे कलर होगा लेकिन बैकग्राउंड का जितने भी इमेज होगा सब ब्लैक एंड व्हाइट रहते, तो उसी तरह का फीचर्स आपको देखने को मिलेगा, वो एडिट करने को मिल जाएगा। लेकिन अगर किसके पास गूगल वन सब्सक्रिप्शन है तो उनके लिए ये फीचर अभी के लिए एनेबल हो जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं नोकिया के बारे में, और नोकिया का C1+ ये आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा, इसका कुछ रूमर लीक्स वर्जन आ चुका है। और ऐसा बताया कि यहाँ पे आपको 4000 एमएएच का बैटरी देखने को मिलेगा और एंड्रॉइड गो वाला ये फोन देखने को मिल सकता है, यानी कि बहुत ही सस्ता होगा, 1 GB या 2 GB आपको यहाँ पे रैम देखने को मिलेगा और 6000 के आसपास इसका प्राइस हो सकता है। अगली खबर की बात करें वो भी नोकिया के बारे में है, और नोकिया का N95 का एक न्यू वर्जन आपको देखने को मिल सकता है। अगर N95 आप पता नहीं, याद नहीं है, भूल गए हैं तो दिखाता हूँ, फोटो आप देख सकते हैं, यह है N95 जो कि स्लाइड करने पे एक टाइप पे नंबर मिल रहा है और ऊपर में स्लाइड दिखाने से यहाँ पे म्यूजिक बटन देखने को मिल जाता है, तो उसी का एक न्यू वर्जन जो कि आज के जमाने का वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप 2 दिन पहले मिस्टर मोबाइल का वीडियो आया था उसमें आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चले उसमें वो प्रोटोटाइप भी दिखाए थे, बट वो एक नॉन वर्किंग प्रोटोटाइप था, लेकिन HMD Global ने उनको भेजा था वो दिखाने के लिए, तो वो दिखा देते, फोटो आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा। पीछे जो कैमरा होगा वहाँ पे आपको एक रिंग निकलेगा जो कि आप डैक कर सकते हैं, और स्लाइड करने पे यहाँ पे सामने की तरफ फ्रंट कैमरा और स्पीकर वगैरह देखने को मिल सकते हैं। अगली खबर की बात करें वो भी नोकिया के बारे में, तो नोकिया ने एक स्ट्रीमिंग बॉक्स अनाउंस कर दिया जिसका नाम है बॉक्स 8000, 4K एंड्रॉइड टीवी वाला है ये, और प्राइस की बात करते हैं तो 7500 के आसपास इसका प्राइस रखा गया है। अगली खबर की बात करते हुआवी के बारे में, तो हुआवी का हार्मनी OS फाइनली आने वाला है और डेट भी कन्फर्म हो चुका है, 18 दिसंबर को इसका बीटा वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा। हुआवी के ही मेट सीरीज के फोन में शायद से यहाँ बीटा टेस्टिंग के लिए इसका OS देखने को मिल जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं मोटला के बारे में, तो मोटला का मोटो जी स्टाइलस 2021 एडिशन का फोटो यहाँ पे आ चुका है, फोटो आप देख सकते हैं, और ये स्टाइलस सीरीज ऑलरेडी आ चुका है लेकिन इंडिया में लॉन्च नहीं होते, लेकिन बाहर में देखने को मिल जाते हैं इसका G8 वगैरह के, तो ये आ गया है 2021 एडिशन मोटो जी स्टाइलस। अगली खबर की बात करते हैं वीवो के बारे में, और कुछ दिन पहले मैं बताया था कि वीवो का एक पर्सनलाइज OS आने वाला है जिसको बोलते हैं ओरिजिन OS, और ये स्टॉक एंड्रॉइड के ऊपर ज़्यादा होगा, ना कि जो पुराना वीवो का फंटेज OS था, ज़्यादातर वो आईफोन OS की तरह ही आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन ये वाला जो है ये ज़्यादातर स्टॉक एंड्रॉइड की तरह आपको देखने को मिला ओरिजिन OS, तो इसका डेट कन्फर्म हो चुका है 18 नवंबर को ये आपको देखने को मिल जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं LG के बारे में, और LG ने 3 फोन इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है, W11, W31 एंड W31+। फोटो आप देख सकते किस तरह आपको देखने को मिल रहा है, तीनों में आपको P22 वाला प्रोसेसर मिलेगा, MediaTek का, कुछ खास नहीं है, और प्राइस तो ज़्यादा रखा है, 10000 में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ, स्टार्टिंग जो प्राइस है 9500 से स्टार्ट होता है, और जो 31+ है उसका प्राइस लगभग 11000 के आसपास रखा गया है। अगली खबर की बात करते हैं Xiaomi के बारे में, और Xiaomi ने एक रिटेचबल वाइड एपरेचर वाला टेक्नोलॉजी निकाल दिया है, यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं किस तरह ये काम करता है, और इसमें बेसिकली क्या होता है वो बता देता हूँ। तो इसमें क्या होगा, एपरेचर चेंज होगा जगह को देखते हुए, जैसे कि आपको कैमरा लेंस DSLR वगैरह में यूज करते हैं, तो उसमें आपको पता हो कि जितना एपरेचर खुल जाएगा उतना लाइट कैप्चर होता है और उतना फोटो ब्राइट हो जाता है, जैसे कि हम ISO को बढ़ा घटा सकते हैं और बढ़ाते हैं, और एपरेचर जितना भी f/2.1 1.7 जितने भी होता है उसमें बोके मिलता है, और लाइट का भी कैप्चर भी बढ़ जाता है, थोड़ा ब्राइट होता है, तो लो लाइट में और भी बहुत बेहतर आपको फोटो देखने को मिल जाता है, तो ये टेक्नोलॉजी इसमें आपको देखने को मिल रहा है जिससे कि आपको फोटो बहुत ही अच्छे देखने को मिल सकता है। अगली खबर की बात करते हैं वो भी Xiaomi के बारे में, और Xiaomi का Mi 11 आपको 2021 जनवरी में देखने को मिल जाएगा, यानी कि अगले ईयर जनवरी में आपको देखने को मिलेगा Mi 11, और Mi 10 भी अभी अच्छी प्राइस में इंडिया में मिल रहा है, अगर आप कंपेयर करके देखें तो फ्लिपकार्ट पे 35000 के आसपास में मिल रहा था, तो अच्छा फ़ोन है वो भी 35000 में। अब Mi 11 क्योंकि जो पहला लॉन्च हुआ था Mi 10 50000 के आसपास था, तो उस टाइम तो कोई खरीदता नहीं होगा मुझे ज़्यादा लगता, क्योंकि प्राइस बहुत ही ऊपर था,
लेकिन अभी 35 में आ गया है और अच्छा भी दिखता है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन बात करते हैं मी 11 के बारे में, तो ये आपको देखने को मिल सकता है जनवरी में, और इसमें बताया जा रहा है क्वालकॉम का 875 वाला प्रोसेसर, यानी कि 5nm टेक्नोलॉजी वाला 5G प्रोसेसर आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब आखिर हम बात करते हैं माइक्रोमैक्स के बारे में, और माइक्रोमैक्स का इन 1B एंड माइक्रोमैक्स इन नोट 1, ये दोनों का प्री ऑर्डर कल से शुरू हो जाएगा, यानी कि 10 नवंबर से 12 बजे आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं प्री ऑर्डर करना तो आप जाके वहाँ पे प्री ऑर्डर फ्लिपकार्ट के ऊपर कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का स्वीट एंड शॉर्ट टेक्नोलॉजी इनसॉर्ट। आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। इस तरह वीडियो और देखना है तो जरूर से मुझे आपको सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब बटन आपको नीचे मिल जाएगा। और एक सबसे जरूरी बात कि मेरा नाम है सुमन, आप देखिए टेक यूट्यूब चैनल, मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।